हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चैप्टर क्लास 7 के चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के इस लास्ट टॉपिक में। ये टॉपिक है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है और ये है बार ग्राफ। हम लोग किसी भी दिए हुए डाटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने पिछले क्लास में भी सीखा था। इस वाली क्लास में भी थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। मान लो आपके पास कोई डाटा दिया हो, चलो आपकी क्लास के किसी बच्चे का नाम ले, मान लो आकाश यादव। आकाश यादव में ये इतने इसके ये मार्क्स आए हैं, इन इन सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स इसको मिले हैं। ऐसे आप एक पहले बना लेंगे। मान लो आकाश को मैथ्स में मिले आपके 45 मार्क्स, हिंदी में मिल गए 46 मार्क्स, साइंस में मिल गया 43 मार्क्स और कंप्यूटर में मिल गया आपको 35 मार्क्स। तो इसको और कम कर देते, मान लो इसमें मिल गया आपको 30 मार्क्स। और इसी को कहा जाए कि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताओ कि आकाश यादव को कितने कितने मार्क्स आउट ऑफ 50 मिले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ग्राफ बनाएंगे, ऐसे जो ग्राफ कॉपी आपके पास होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां इधर तो सब्जेक्ट लिख देंगे, इस तरफ हमने सब्जेक्ट लिख देना है सब्जेक्ट, और इधर हमको मार्क्स लिख देना है आपका 45 30। आप इसको 10 से स्टार्ट कर लो, यहां 0 है, 0 के बाद यहां 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70, ऐसे कुछ भी कर सकते। 10 की स्केल हमने ली, स्केल मतलब होता है कि आपने एक एवरेज कर लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे। अभी अब पहला सब्जेक्ट जो है आकाश का वो है, यहां से एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे और ये पहला सब्जेक्ट आपका आ गया मैथ्स। मैथ्स में आकाश को मिले 45 मार्क्स, तो आप यहां से चलेंगे इसको लेकर ग्राफ को और 50 और 40 के बीच में आपका 45 आएगा, यहां ले आके हम इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 45 मार्क्स। तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। दूसरा हिंदी में आपको मिले हैं 46 मार्क्स, तो आप यहां एक और गैप छोड़ के एक कॉलम को फिर आगे बढ़ेंगे हिंदी में। हिंदी में 46 मिले तो 45 से 1 ऊपर आपको यहां आ गया 40, क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूं तो यहां थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप कॉपी पे बनाएंगे तो उसमें बना होता है, नंबर लाइन्स बनी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका हो गया ये 46। फिर आकाश को नेक्स्ट साइंस में मिले हैं, एक फिर छोड़ देंगे, आप बिल्कुल सटा के नहीं बनाएंगे, एक कॉलम जब आपका बन जाएगा एक ग्राफ तो एक डॉट आप छोड़ के फिर अगले वाले डॉट से बनेंगे। फिर आपका साइंस में आकाश को मिला है 30 मार्क्स, तो आप 30 से आएंगे नीचे और यहां कर देंगे, ये आपको हो गया 30 मार्क्स। ये फॉर एग्जाम्पल है, आकाश अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो अपने ऊपर नहीं लेगा कि सर ने हमको साइंस में कम मार्क्स दिलाए, कंप्यूटर में कम मार्क्स दिलाए, तो ये केवल फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर अगला है कंप्यूटर, एक फिर छोड़ के आप यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में इसको मिला 35 मार्क्स, तो 30 से थोड़ा ऊपर ले जाके हम इसको यहाँ कर देंगे 35 मार्क्स। इस तरह से आप इसको ग्राफ बना सकते हैं और आप इसको चाहें तो अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं। मैथ्स को आप जिस कलर से चाहें, साइंस को जिस कलर से चाहें, हिंदी को जिस कलर से चाहें उसको कलर कर सकते हैं। ये डेटा आपके पास दिया होगा, ये आपको बनाना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ग्राफ और बनता है उसको भी आप लोग बनाए, जैसे मान लो ये छोटा डाटा दिया है चार चीज का, आपको पूरी क्लास का डाटा दे दिया जाए। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, जब क्रिकेट देखते समय आपको कभी कभी स्कोर कार्ड जब आता है तो उसमें ग्राफ बन के आता है कि इस खिलाड़ी ने पहले मैच में इतने रन बनाए थे, दूसरे मैच में इतने रन बनाए थे। मान लो कोई प्लेयर है ना, चलो अपनी क्लास का रुद्रांश श्रीवास्तव, ये भी खिलाड़ी है तो इसका ही ले लेते हैं, रुद्रांश श्रीवास्तव ना। रुद्रांश श्रीवास्तव को मान लो इसने ये इस खेलने गया और इसने स्कोर करा पहले मैच में इसने स्कोर करा 75 पॉइंट का, मैच वन है ये। मैच टू में इसने स्कोर कर दिया 85 पॉइंट का, ऐसे ऐसे करके मान लो 10 दे दिया, तो अब यहाँ रुद्रांश श्रीवास्तव लिख देंगे, फिर इसका डाटा बना के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं
और कोई परेशानी होती है ग्राफ प्लॉट करने में तो आप वीडियो को एक दो बार और देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछें। इसमें एक चीज और है जो बताना है आपको, वह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है हिंदी में उसको कहते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी। इसी में वो दे दिया गया है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबे, यहां बी ए फिर बी आई एल आई टी वाई, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना, मतलब क्या आ सकता है। जैसे मान लो एक लूडो खेलने वाला डाई है जो इसको आप खेलते हो ना, उसमें ये कहा जाएगा अगर ये एक बार फेंका जाएगा, व्हेन डाई थ्रो वन टाइम, फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार क्या होगी। जैसे एक ही बार फेंका जा रहा है, एक बार आपने उसको टॉस कर दिया या एक बार आपने उसको उड़ाया, तो उसमें वन से लेकर सिक्स तक नंबर लिखे होते हैं, लेकिन एक बार में थ्री तो एक ही बार आ सकता है ना। एक बार फेंकेंगे आप तो थ्री आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक बार होगी बस, कितने में से, छह में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। एक थ्री कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है बस, कितने में से, छह में से, कुल छह नंबर है उसमें, तो एक बार फेंका जाएगा तो टोटल ये हो गया और ये हो गया। इसका एक वो होता है फॉर्मूला होता है, उसको आप कहिए तो हम लिखा दे, आपकी बुक में लिखा भी है वो, तो ऐसा कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन अकर, नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन अकर, द इवेंट मतलब कितनी बार हो रहा है, इवेंट कैन अकर, और बाई होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप इसमें से देख के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मान लो जैसे आपको कहा जाए कि एक सिक्का है ना, इसको आप देखिए, तो एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको। एक कोई सिक्का है उसको आपने टॉस किया, तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ आ नहीं सकता ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 ना। जो एक सिक्का है मान लो कोई 5 रुपए का सिक्का है, उसको आपने उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुल कितनी संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है दो, दो प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसमें से आपने हेड आया तो कितनी बार आएगा, दो में से एक बार ही आएगा, और टेल आएगा तो कितनी बार आएगा, दो में से एक बार ही आएगा। मान लो दो सिक्के एक साथ उछाल दिए, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें या तो इसमें हेड आ जाएगा, इसमें इधर टेल आ जाएगा, या तो इधर टेल आ जाएगा, इधर हेड आ जाएगा। अब चार प्रोबेबिलिटी कितनी है, चार है, तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या तो दोनों में हेड आ जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, या तो दोनों में टेल आ जाएगा तो 2/4 फिर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं आप। अब ये चैप्टर आपका जो है ये इस तीन वीडियो में खत्म हुआ है। जो भी आपको इसमें इससे रिलेटेड, अब जो इसकी लेट्स ट्राई है, लेट्स ट्राई 4 और लेट्स ट्राई 5, इसको आप लोग करिए। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको आप हमसे पूछें, और अगले वीडियो में आपकी समस्याएं जो हमारे पास आएंगी हम उसका समाधान करेंगे। और जो भी चीजें होंगी वो, ये चैप्टर छोटा था तो तीन वीडियो में आपका ये खत्म हुआ है, पार्ट वाइज तीनों तीन दिन में या तीनों मर्ज होगी, जैसे भी ये वीडियो जाएगा आप इसको अच्छे से देखें और खूब मेहनत करें। लॉकडाउन जो हुआ है, जो हम लोग इस पेंडेमिक में घर बैठे हैं, इसका आप सही से सदुपयोग करें और इसमें कुछ अच्छा करें, अपने स्वास्थ्य को लेकर अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं और मेंटेन योर बॉडी फिट एंड ग्रोथ, और इसकी एनर्जी को बचाए रखें, और मोबाइल को कम से कम यूज करें जितना आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है, उसके बाद आप इस पे गेम वगैरह ना खेलें, घर वालों ने आपको दिया है इसका सही से।